हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मसाला लड़ाई पर। दोस्तों, अगर आप सभी अपने लिए एक पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर खरीदना चाहते हैं तो ऐसे में दोस्तों आज के शून आप सभी के लिए एंट ऑडियो स्पीकर का रिव्यू लेकर आया हूं। ये जो स्पीकर आप सभी को मात्र 1,050 रुपए का पड़ जाएगा, लेकिन दोस्तों 1,050 रुपए में इसमें आपको 5 वाट का स्पीकर देखने को मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस प्राइस पॉइंट पे अगर ऑनलाइन आप कोई दूसरा स्पीकर खरीदते हैं तो उसमें दोस्तों आपको सिर्फ 3 वाट का स्पीकर देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तों इस स्पीकर में आपको 5 वाट का स्पीकर देखने को मिल जाएगा, जिसकी वजह से दोस्तों इसकी जो साउंड क्वालिटी है, बेस क्वालिटी है, वो काफी ज्यादा अच्छी है। इसी प्राइस पॉइंट पे दोस्तों ये जो स्पीकर है वो एक वाटरप्रूफ स्पीकर है, यानी दोस्तों आपका स्पीकर अगर गलती से पानी वगैरह में गिर जाता है तो आपका जो स्पीकर है वो खराब नहीं होगा। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप इस स्पीकर का पूरा रिव्यू देखना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, साउंड क्वालिटी कैसी है, कैसा इसका बेस है, तो ऐसे में दोस्तों इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, ध्यान से देखना है, ताकि दोस्तों यहां पर इस स्पीकर के बारे में आपको सारी बातें पता चल सके। तो चलिए अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये रहा हमारे पास एंट ऑडियो स्पीकर का बॉक्स। तो चलिए दोस्तों जल्दी से कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, ताकि दोस्तों आप सभी को अच्छी तरीके से पता चल सके कैसी इसकी बिल्ड क्वालिटी, कैसी इसकी साउंड क्वालिटी है, कैसा इसका बेस है, इन सभी चीजों के बारे में आप सभी को अच्छी तरीके से पता चल सके। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूंगा, पहले से यहाँ पर मैंने सील वगैरह को कट करके रखा है ताकि दोस्तों आप सभी का जो टाइम है वेस्ट ना हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर एक मैग्नेट दिया गया है जिसे दोस्तों अगर आप स्लाइड करते हैं यानी खोलते हैं तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर काफी सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। जैसे दोस्तों इसके अंदर आपको 1000 एमएच की बैटरी देखने को मिल जाएगी, एक्स्ट्रा बेस देखने को मिल जाएगा, साथ ही में दोस्तों ये जो स्पीकर है वो वाटरप्रूफ भी है, और इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर आपको 6 घंटे का बैटरी बैकअप भी देखने को मिल जाएगा। इसको दोस्तों अगर आप पूरा खोलते हैं तो यहां से दोस्तों आप अपने स्पीकर का लुक जो है वो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब जल्दी से इसकी कर लेते हैं हम अनबॉक्सिंग। तो यहां से दोस्तों आप अपने स्पीकर को कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं, तो चलिए हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं हमने अपने स्पीकर को निकाल लिया, इसके अलावा इस बॉक्स में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर मैं इसे साइड में रख देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा इसके अंदर आपको क्या सब सामान देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा इसके अंदर आपको एक वेलकम लेटर देखने को मिल जाएगा, और इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं दिया गया, तो इसे मैं साइड में रख देता हूँ। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक वारंटी कार्ड भी देखने को मिल जाता है, साथ ही में दोस्तों ये यूजर मैनुअल भी है, यानी दोस्तों इसके अंदर आप रीड वगैरह कर सकते हो कि किस तरीके से आप अपने स्पीकर को ऑपरेट करेंगे, ये पढ़ सकते हो, तो पढ़ना होगा तो पढ़ लेना, इसे भी मैं साइड में रख देता हूं। इसके अलावा दोस्तों यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा इसमें आपको एक स्टिकर पैक भी देखने को मिल जाता है, जैसा कि दोस्तों आप सभी को हर एंट ऑडियो प्रोडक्ट में देखने को मिल जाता है, तो इसे दोस्तों आप कहीं भी चिपका सकते हैं, इस तरीके से निकाल के आप कहीं भी चिपका लीजिएगा, तो इसे भी मैं साइड में रख देता हूं। उसके अलावा दोस्तों यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहां पर हमारे सामने जो मेन स्पीकर है वो नजर आ चुका है। उससे पहले दोस्तों यहां पर कुछ सामान वगैरह दिया गया, तो यहां पर मैं ये चीजें भी आपको दिखा देता हूं। तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर आपको एक यूएसबी केबल देखने को मिल जाता है जिसकी क्वालिटी के बारे में चलिए मैं आपको बता देता हूं कैसे इसकी क्वालिटी है। तो यहां पर दोस्तों इसकी जो क्वालिटी है वो ठीक ठाक है, उतनी शानदार नहीं है, लेकिन दोस्तों ठीक ठाक क्वालिटी वाला आपको यूएसबी केबल देखने को मिल जाएगा, तो इसे भी मैं साइड में रख देता हूं। उसके अलावा दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं आपको यहां पर एक ऑडियो जैक भी देखने को मिल जाता है, जिसे ऑक्स केबल भी आप कह सकते हैं। तो यहां पर मैं इसे बाहर निकाल लेता हूं, ये काफी डिफरेंट तरीके का ऑक्स केबल है। यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर आपको माइक्रो यूएसबी देखने को मिल जाता है, जिसे दोस्तों आप अपने स्पीकर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही में दोस्तों यहां पर आपको 3.5 mm जैक भी देखने को मिल जाता है, जिसे दोस्तों आप किसी अदर डिवाइस में कनेक्ट कर सकते हैं, तो यहां पर मैं इसे भी साइड में रख देता हूं। उसके अलावा दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आपको एक स्ट्रैप भी देखने को मिल जाता है, जिसे दोस्तों आप अपने स्पीकर में कनेक्ट करके लटका सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहां पर हम अपने स्पीकर को बाहर निकाल लेते हैं, और यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जो स्पीकर है वो हमारे हाथों में आ चुका है, और ये सच वाणी से देखने में मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी काफी ज्यादा शानदार है, काफी ज्यादा मजबूत है, और ये देखने में आप देख सकते हैं इतना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये जो हिस्सा है वो पूरी तरीके से मेटल का बना हुआ है, साथ ही में दोस्तों ये जो हिस्सा है वो पूरी तरीके से रबड़ का बना हुआ है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर एक लेवल दिया गया है, जिस पे दोस्तों लिखा गया है कि सबसे पहले आप सभी को इस स्पीकर को 2 घंटे चार्ज कर लेना है, फिर इसे यूज करना है। तो ये एक अच्छी बात लिखी गई है, तो इसे मैं हटा देता हूं। तो यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहां से आप अपने स्पीकर को चार्ज कर सकते हैं, आपको चार्जिंग केबल भी इसके साथ मिल जाती है। उसके अलावा दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं पीछे कुछ इंफॉर्मेशन लिखी गई है, और ये चीज क्या है यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो हिस्सा है दोस्तों इसे आप GoPro के साथ कनेक्ट कर सकते हो। अगर दोस्तों आप GoPro कैमरे वगैरह के बारे में जानते हैं तो दोस्तों उसके साथ भी आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं, ये कंपार्टमेंट उसी का दिया गया है। तो चलिए दोस्तों इसे भी हम ढक देते हैं। अब दोस्तों यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहां पर दोस्तों आप दाएं देख सकते हैं, बाएं देख सकते हैं, ऊपर देख सकते हैं, कहीं भी दोस्तों बटन नहीं दिया गया, लेकिन दोस्तों आप जैसे ही नीचे देखेंगे तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं आपके सामने 4 बटन दिए गए हैं। यहां से दोस्तों आप जानते हैं अपनी आवाज को बढ़ा सकते हैं, यहां से घटा सकते हैं, यहां से दोस्तों आप अपने स्पीकर को ऑन
कर सकते हैं और साथ ही में दोस्तों यहां से आप अपने स्पीकर के गाने वगैरह को पॉज वगैरह कर सकते हैं यानी रोक सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम अपने स्पीकर को ऑन कर लेते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जो स्पीकर है ऑन हो चुका है। तो चलिए दोस्तों अब हम अपने स्पीकर को अपने फोन के साथ कनेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर दोस्तों अपने सॉन्ग को प्ले करके इसकी साउंड क्वालिटी और बेस क्वालिटी के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अपने फोन के साथ अपने इस स्पीकर को कनेक्ट कर लिया है। तो चलिए दोस्तों एक सॉन्ग को हम प्ले करके देख लेते हैं कि इस स्पीकर की जो साउंड क्वालिटी है वो कैसी है। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी ने इसका म्यूजिक सुन लिया होगा, इसकी साउंड क्वालिटी को सुन लिया होगा। मुझे दोस्तों पर्सनली इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगी है। इसे दोस्तों मैंने 100% वॉल्यूम पे प्ले किया है लेकिन दोस्तों इसकी जो साउंड है वो कहीं से भी क्रैक नहीं हुई, कहीं से भी फटी नहीं है। साथ ही में दोस्तों इसमें जो बेस है वो भी काफ़ी बढ़िया यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप अपने लिए 1,050 रुपये में या फिर 1,000 से ऊपर स्पीकर खरीदना चाहते हैं तो इस स्पीकर को आप बिल्कुल खरीद सकते हैं क्योंकि इस स्पीकर में आपको 5 वॉट का स्पीकर देखने को मिल जाता है। साथ ही में दोस्तों ये जो स्पीकर है वो एक वाटरप्रूफ स्पीकर है। तो ऐसे में दोस्तों बारिश के पानी में या फिर पानी में अगर ये गिर जाता है तो खराब होने के चांस काफी ज्यादा कम होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इस स्पीकर को आप जबरदस्ती पानी में डुबो दो क्योंकि दोस्तों जो स्पीकर बनाए जाते हैं उन्हें इस कारण बनाया जाता है कि गलती वगैरह से अगर गिर जाते हैं तो खराब नहीं होगा। ये नहीं कि आप जबरदस्ती उसे पानी में डुबो दो और खराब करने की कोशिश करो। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप अपने लिए एक अच्छा स्पीकर खरीदना चाहते हैं, पोर्टेबल स्पीकर खरीदना चाहते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से जाके आप इसे परचेज कर सकते हैं या फिर चेक भी कर सकते हैं। थैंक यू।